मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के वीडियो में हम जानते हैं दुबड़ी सप्तमी या दुबड़ी अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं। यह पूजा कोई सप्तमी के दिन करता है तथा कोई अष्टमी के दिन करता है। यह पूजा संतान की प्राप्ति और उसकी मंगल कामना एवं सुख समृद्धि के लिए की जाती है। दुबड़ी सप्तमी की पूजा बिल्कुल बछवारस की तरह ही की जाती है। जिनके बछवारस पर गाय की पूजा की जाती है वह अलग है, लेकिन जिनके यहाँ पाटा पूजा जाता है तो जैसा पाटा बछवारस पर बनाया जाता है बिल्कुल वैसा ही पाटा दुबड़ी सप्तमी या अष्टमी पर बनाया जाता है। केवल बछवारस के पाटे के साहूकार साहूकारनी और गाय बछड़े की जगह बुआ और सर्प सर्पनी बनाए जाते हैं तथा जोहड़ की जगह कलश बनाए जाते हैं। पूजा विधि भी बिल्कुल एक जैसी ही होती है, लेकिन जैसे बछवारस के दिन जो गेहूँ गाय का दूध दही घी आदि नहीं खाए जाते और चाकू काम में नहीं लिया जाता, दुबड़ी सप्तमी के दिन ऐसी कोई मनाही नहीं होती है। दुबड़ी सप्तमी के दिन पूड़ी पराठे हलवा आदि बनाए जाते हैं, लेकिन किसी के यहाँ ठंडा भोजन किया जाता है या किसी के यहाँ गर्म भोजन किया जाता है। आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो वैसा ही करें। पूजा विधि एक जैसी होती है, जिसमें कुछ लोगों के यहाँ बछवारस पर काटा पासा जाता है और दही फुदकड़ा किया जाता है, किसी के यहाँ दुबड़ी सप्तमी पर किया जाता है तथा किसी किसी के यहाँ यह रस्म दोनों दिन की जाती है। इस पूजा के लिए हमने यह पाटा लिया है। यदि आप मिट्टी से पाटा कैसे बनाएं यह जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप भी ऐसा पाटा लेना चाहते हैं तो इसकी पूरी डिटेल नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दुबड़ी सप्तमी या अष्टमी की पूजा कैसे करें। दुबड़ी सप्तमी पूजा के लिए हमें सामग्री चाहिए: करेले की बेल, बेर की झाड़ी का कांटा, दुर्वा, कुमकुम, अक्षत, दही, हलवा, पूड़ी या पराठे, भीगे हुए मूंग मोठ, और यदि आपके इस दिन दही फुदकड़ा किया जाता है तो उसके लिए चांदी का छल्ला। अब सबसे पहले पाटे पर रखे सर्प सर्पिनी बुआ बहु बेटे कलश सभी को तिलक करें, अक्षत लगाएं, हलवे पूड़ी का भोग लगाएं, फिर उसके बाद में सभी कलश या जोहड़ में थोड़ा थोड़ा दही डालें, भीगे हुए मूंग मोठ के दाने डालें, फिर थोड़ा सा करेले का पत्ता, बेर की झाड़ी का कांटा और दुर्वा भी डालें। उसके बाद अपने दोनों हाथों में थोड़ा दही, करेले के पत्ते का टुकड़ा, कांटा, दुर्वा और एक एक मूंग मोठ का दाना रखें। कांटा, दुर्वा और पत्ता सभी बहुत छोटा रखें, क्योंकि हमें यह एक हाथ का सामान बिना चबाए निगलना होता है, जिसे कांटा पासना बोलते हैं। यह सामग्री हाथ में लेकर कहानी सुने। यह पूजा चाहे आप सप्तमी को करते हैं या अष्टमी को करते हैं, दोनों की कहानी एक ही होती है। इस कहानी के साथ बिंदाइक जी, लपसी तपसी की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी आदि सुनी जाती है। यह सभी कहानियाँ आपको एक साथ एक ही वीडियो में जल्द ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कहानी सुनने के बाद कांटा पासे यानी सीधे हाथ की सामग्री को पाटे पर चढ़ा दे और उल्टे हाथ की सामग्री को बिना चबाए निगल ले। फिर घर के किसी छोटे लड़के का दही फुदकड़ा करें। यदि घर में छोटा लड़का नहीं हो तो आसपास के किसी भी छोटे लड़के को बुलाकर दही फुदकड़ा कर सकते हैं, और नहीं तो घर में लड्डू गोपाल जी हो तो उनका दही फुदकड़ा करें। हमने भी हमारे लड्डू गोपाल जी का दही फुदकड़ा किया है। दही फुदकड़ा करने के लिए किसी छोटे लड़के या लड्डू गोपाल जी को गोद में बिठाएं, फिर चांदी के छल्ले को दुर्वा के साथ पकड़कर 2, 5 या 7 बार दही खिलाएं। इसे दही फुदकड़ा करना बोला जाता है। फिर इसके बाद में हलवा वे भीगे हुए मूंग मोठ से बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। इस तरह दुबड़ी सप्तमी या अष्टमी की पूजा बहुत ही सरल विधि से की जाती है। दुबड़ी माता हम सभी के बच्चों को कुशल मंगल रखे तथा उन पर अपना आशीर्वाद और सुख समृद्धि बनाए रखे। जय श्री राधे।